गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? कैसे हो सब? सब ठीक। सब बढ़िया हो? यस सर। तो कल हमने पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट हमने किया था स्योर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। स्योर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्योर्स डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड साइंड बाय बोथ अकाउंटेंट एंड ऑथराइज पर्सन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वाउचर्स जर्नल एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इन आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किया था ना ये डिस्कस किया था? उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था डिफरेंट स्योर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें हमने फर्स्ट कर लिया था कैश मेमो। व्हाट इज कैश मेमो सर? व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड ऑन कैश बेसिस देन कैश मेमो इज रिसीव्ड और इश्यूड। एट द टाइम ऑफ कैश परचेजेस वी रिसीव कैश मेमो एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कैश सेल्स we issue cash memo to our customers. In the cash memo, description of goods purchased, their rates, total amount, quantity, etc. are specified in the cash memo. These details are specified in the cash memo. So on the basis of cash memo, cash vouchers are prepared. On the basis of cash memo, cash vouchers are prepared and on the basis of cash vouchers, cash transactions are recorded in the books of original entries. Bolo, clear hai? Ye padha tha kal? Yes sir. Phir humne cash memo ka sample bhi padha tha aur maine aapko ye bhi bataya tha ki jo source documents hote hain, jo source documents hote hain, उन पे सिग्नेचर कौन करता है? ऑथराइज्ड मैनेजर हो, ऑथराइज्ड सिग्नेचर होना चाहिए। अरे वाह मेरे बेटे, सियोर्स डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करेगा ऑथराइज्ड पर्सन। वेरी गुड, ऑथराइज्ड पर्सन सिग्नेचर करता है सियोर्स डॉक्यूमेंट पे। क्या अकाउंटेंट भी सिग्नेचर करता है क्या सियोर्स डॉक्यूमेंट पे? यस और नो बोलो। अकाउंटेंट भी सिग्नेचर? वेरी गुड। अकाउंटेंट कभी भी सियोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर नहीं करता। अकाउंटेंट क्यों करेगा भाई? जो पर्सन सेल कर रहा है गुड्स, जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है वो सियोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करेगा। तो जो पर्सन सेल कर रहा है वो तो सेलर है, तो सेलर पार्टी विल साइन द सियोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब सेलर पार्टी में से कौन करेगा? जो भी ऑथराइज पर्सन है सेलर पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में वो सिग्नेचर करेगा। ठीक है सर। और सर वाउचर के ऊपर सिग्नेचर कौन करता है? वाउचर तो अकाउंटेंट बनाता है, तो हमारा अकाउंटेंट भी सिग्नेचर करेगा। और हमारा ऑथराइज पर्सन अगर सिग्नेचर नहीं करेगा तो जो हमारा सीए आएगा ऑडिट के लिए वो वाउचर अकाउंटेंट के मुंह पे मारेगा। वो कहेगा कि भाई जाओ इसको साइन करो, ये अदरवाइज जेन्युइन वाउचर नहीं है, आपने फेक एंट्रीज कर रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑर्गेनाइजेशन के और आप फॉर्जरी कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अकाउंटेंट अपनी ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर करा के देगा कि नहीं सर मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, ठीक है मेरे से भूल हो गई, ऑथराइज पर्सन के मैंने सिग्नेचर नहीं कराए, लो मैंने सिग्नेचर करा दिए, कर लो आप इसकी फाइलिंग अब। और अगर वो ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर नहीं कराता है तो जब ऑडिटर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए, उनकी जेन्युइननेस को चेक करने के लिए, तो फिर ऑडिटर ऐसे वाउचर्स को एक अलग फाइल के अंदर रखेगा जिनके ऊपर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर नहीं थे, और अकाउंटेंट को देने के बाद भी अकाउंटेंट ने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं कराए तो उनको फिर वो सेपरेट ही रखेगा। क्लियर है? ये भी डिस्कस किया था हमने। Yes, अब yes, आज हम पढ़ेंगे, अरे वंश भी नहीं आया क्या आज? हाँ वंश,
वंश भी नहीं आया। ये वी वालों की कुछ प्रॉब्लम है इस क्लास में, वी फॉर वंश एंड वी फॉर वरुण बोथ आर एब्सेंट एट द सेम टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट सियोर्स डॉक्यूमेंट हम पढ़ेंगे इनवॉइस और बिल। हालांकि ये इसके बारे में मैंने कल बता दिया था, इनवॉइस और बिल क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि इनवॉइस हम बोलेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, और बिल हम बोलेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर। तो समझो, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर कैश बेसिस पे सेल करेगा तो कैश मेमो इश्यू करेगा, तो व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस देन द सेलर विल इश्यू क्या, इनवॉइस। देन सेलर विल इश्यू अ इनवॉइस किसको, परचेजर को। सेलर इनवॉइस इश्यू करेगा परचेजर को, एंड द सेम इनवॉइस इज कॉल्ड एज बिल इन द हैंड्स ऑफ परचेजर। परचेजर उसको इनवॉइस नहीं बोलेगा, परचेजर उसको क्या बोलेगा, बिल बोलेगा। परचेजर क्या बोलेगा, बिल बोलेगा। तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, तो व्हेन अ परचेजर परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस देन ही रिसीव्स बिल फ्रॉम द सेलर, वो सेलर से क्या रिसीव करेगा, बिल रिसीव करेगा। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। तो पढ़ लो फटाफट, इनवॉइस एंड बिल। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर्स अ सेल्स इनवॉइस व्हिच कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, द रेट, क्वांटिटी एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल। जैसे कैश मेमो पे डिटेल्स स्टेटेड होती है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, उनके रेट, उनकी क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट, द सेम डिटेल्स विल बी स्पेसिफाइड इन द इनवॉइस ऑल्सो। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस, इनवॉइस सेलर दो कॉपी बनाएगा, ओरिजिनल कॉपी तो दे देगा परचेजर को, और डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास रखेगा। सर दो कॉपी क्यों बना रहा है? ओरिजिनल कॉपी जब परचेजर को देगा तो परचेजर अपनी बुक्स में उसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग करेगा, और जो डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास रख रहा है, सेलर अपनी बुक्स में उस डुप्लीकेट कॉपी के बेसिस पे वाउचर क्रिएट करने के बाद जर्नल एंट्री पास करेगा। बोलो बात आ गई समझ में? यस सर। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन आवर बुक्स यानी इन द बुक्स ऑफ सेलर। सिमिलरली व्हेन अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट ही रिसीव्स अ क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स। देखो बिल लिखा है, अंडरलाइन करना बिल, अंडरलाइन करना बिल। और जब सेलर की बात कर रहे थे तो उसने लिखा था ही प्रिपेयर्स अ सेल्स इनवॉइस, ही मेक एन इनवॉइस, वी मेक एन इनवॉइस ऑन क्रेडिट सेल बट रिसीव अ बिल ऑन क्रेडिट परचेज। अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस एक लाइन से सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें आपको। दो द टू टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमसली एंड मींस द सेम थिंग, ए स्पेसिमेन ऑफ एन इनवॉइस और अ बिल इज गिवन बिलो। ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, एक स्पेसिमेन दे रखा है इनवॉइस का, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनवॉइस जनरेट करता है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होगा। तो मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इनवॉइस जनरेट किया है, इनका एड्रेस है 25 पालिका मार्केट, कॉनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली 11002। दिल्ली में कॉनॉट प्लेस पे पालिका बाजार है, पता होगा आप लोगों को, किसी ने दिल्ली विजिट किया होगा तो। कोई बात नहीं, कभी जाओगे तो देख के आना, ठीक है ना। वहां पर कॉनॉट प्लेस के पास एक मार्केट है, पालिका मार्केट, पालिका बाजार बोलते हैं, पालिका मार्केट तो नहीं बोलते, बाजार बोलते हैं उसको, तो ठीक है जो भी है वहां पे। अब वहां पे मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक शॉप है मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किए हैं। तो देखो ये जो नंबर है ये है आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ कस्टमर जिसको आपने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए हैं। तो हमारे कस्टमर नेम है अशोका एंटरप्राइजेस, कस्टमर नेम क्या है, अशोका एंटरप्राइजेस। डेट, जिस डेट के ऊपर उन्होंने
इनवॉइस जनरेट किया है वो डेट उन्होंने स्पेसिफाई कर दी, फिर नेम ऑफ कस्टमर तो डाल ही दिया था, टर्म्स क्या हैं, 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज, यानी 10th of January 2017 को वो गुड सेल कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर विद इन 30 डेज आपने पेमेंट कर दिया, ये कंडीशन लगा दी कि अगर विद इन 30 डेज पेमेंट कर दिया तो हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। यानी डिस्काउंट अलाउ कौन करेगा, मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, यस और नो? डिस्काउंट अलाउ कौन करेगा, यानी डिस्काउंट देगा कौन, मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, और रिसीव कौन करेगा, अशोका एंटरप्राइजेस। क्लियर है? तो जो डिस्काउंट अलाउ करेगा, जो डिस्काउंट अलाउ करेगा उसके लिए क्या होगा, वो एक्सपेंस, जो डिस्काउंट देगा उसके लिए तो एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट अलाउड, उसके लिए तो डिस्काउंट एक्सपेंस हो जाएगा, और जो डिस्काउंट रिसीव करेगा उसके लिए डिस्काउंट क्या होगा, इनकम। बोलो यस और नो? जैसे आज मान लो कोई बुक परचेज करने जाता है, 600 का बुक का सेट है, शॉपकीपर आपको 60 रुपीज अगर डिस्काउंट देता है, आप देते उसको 540, तो शॉपकीपर के लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर वो 600 रुपीज रिसीव करता तो उसको 60 रुपीज का बेनिफिट होता ना, लेकिन उसने डिस्काउंट दिया तो 60 रुपीज उसके लिए क्या है, एक्सपेंस, और आपने ये रिसीव किया तो आपके लिए क्या है, इनकम। बोलो समझ में आ गया? यस सर। अब क्वांटिटी बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बता रखा है, रेट बता रखा है, अमाउंट बता रखा है, ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तो कर लोगे, 95,100 तक तो आ जाओगे सब, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेशन करने में। बोलो। अब उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स, वो कह रहे हैं सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। अब कौन समझाए शॉपकीपर को कि सेल्स टैक्स तो रिमूव हो गया, अब हमारी कंट्री में सिंगल टैक्स होने लग गया है, उसको बोलते हैं हम GST, सिंगल टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, एंड दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेल्स टैक्स तो मर्ज हो चुका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, तो हिसाब से इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो कोई बात नहीं, सेल्स टैक्स लिख दिया। अब मुझे बताओ आपका जो गुड्स आपने परचेज की हैं या आपने सेल की हैं वो कितने की हैं, 95,100, टैक्स ऐड करेंगे या लेस करेंगे, बताओ? सर टैक्स से तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी पे करने की, और अगर हम सेलर हैं तो वो टैक्स हम रिसीव करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, और जितना टैक्स हम कलेक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में हम डिपॉजिट भी कराएंगे बाद में। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वहाँ पर ये चीज़ें हम सीखेंगे। अभी मैं केवल आपको इतना समझा सकता हूँ, अभी मैं केवल आपको इतना समझा सकता हूँ कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो विद द अमाउंट ऑफ परचेज हम टैक्स का भी पेमेंट करते हैं, हम टैक्स का भी पेमेंट करते हैं, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो विद द अमाउंट ऑफ सेल हम परचेजर से टैक्स कलेक्ट करते हैं। टैक्स कलेक्ट किसकी बिहाफ पे करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और फिर जो टैक्स हमने कलेक्ट किया वो जाता है गवर्नमेंट को, यानी हम रिटर्न फाइल करते हैं GST की, तो जो टैक्स हमने कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को हम पे कर देते हैं। बोलो बात आई समझ में? यस सर। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नो सर। तो 95,100 की हमारी गुड्स हमने परचेज की थी या सेल की थी, एड 10% टैक्स करना है, तो 10% करना है तो लास्ट में से 10 रिमूव कर दो, वो 10% हो जाएगा। सर कैसे होता है ये, 95,100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, क्या करोगे, जीरो से जीरो गया, ये देखो ये जीरो से ये जीरो गया, तो सिंगल एक जीरो ही तो हट रहा है, ये हो गया आपका 9510। सर अगर 1 लाख रुपीज़ है, 10% कितना होगा इसका बताओ, 1 लाख का 10%, 10,000, वेरी गुड। क्या किया हमने, एक जीरो हटा दिया, एक जीरो हटा दिया, 1% करना हो तो क्या आएगा, 1%,
1000, क्या किया हमने, दो जीरो हटा दिए। सर अगर लास्ट में जीरो नहीं हो तो, अच्छा 99,999, 10% कितना होगा, डेसिमल लगा दो, 9,999 रुपीज़ एंड 90 पैसा। 1% कितना होगा, यहाँ लग जाएगा डेसिमल, 999 रुपीज़ एंड 99 पैसा। बेटा ये मैथमेटिक्स है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स तो आपको सीखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी ट्रिक्स तो आपको सीखनी पड़ेंगी। कल मेरी गुप्ता मैम से बात हुई थी, योर मैथमेटिक्स टीचर, यस और नो? यस सर। और उन्होंने बताई थी तुम लोगों की वीकनेसेस मुझे, कि सर उनको हल्के में मत लेना, बच्चे इतने अच्छे भी नहीं है तो इतने बुरे भी नहीं है, मतलब कि वो आपकी तारीफ भी करी थी और कुछ उन्होंने मुझे आपकी वीकनेसेस भी बताई हैं। तो बेटा मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, अकाउंट्स की क्लास में जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, मैं आपसे केवल इतनी डिमांड करता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड परसेंटेज, ये चीज़ें मुझे चाहिए, और केवल चाहिए ही नहीं, स्पीडी वे में चाहिए, यानी कैलकुलेशन स्पीडी होनी चाहिए, तभी 3 इयर्स में पेपर होगा फाइनल एग्ज़ाम का। और एक चीज़ तो होती है कि पेपर हमें आता ही नहीं है, थोड़ा पेपर हमें नहीं आता, तो उस केस में तो अगर पेपर छूट जाए तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें आते ही नहीं थे। लेकिन अगर पेपर हमें पूरा आता हो और हमारी स्लो कैलकुलेशन स्पीड की वजह से या स्लो राइटिंग स्पीड की वजह से अगर पेपर हमारा छूट जाए तो उससे बड़े दुख की बात कोई भी नहीं है। फिर बहुत दुख होता है एग्जामिनेशन हॉल से निकल के कि आता हुआ पेपर हमारी स्लो स्पीड की वजह से छूट गया, वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखना। बाकी ट्रिक्स मैं बताता रहूँगा, जैसे परसेंटेज की आज ट्रिक मैंने बता दी, अब कितना आप इसको अप्लाई करते हो वो देखने वाली बात है। और देखो चलो बात करते हैं, आओ 1 लाख का 4% कितना होगा बताओ, 4%। यू कैन नॉट टेक मोर देन 15 सेकेंड्स फॉर दिस। 40,000 रॉन्ग आंसर, 40,000 तो 40% हो गया। 1% कितना होता है, देखो किस तरह से काउंट करते हैं हम। 1% पायल तुमने बोला था कि सर अगर 1% निकालना है तो 2 जीरो यहां से रिमूव कर दो, 1,001% हो जाएगा। अगर 1,001% है तो 4% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 1% है उसका 4 टाइम्स कर दो, यानी आंसर विल बी 4,000, आंसर विल बी 4,000। चलो 25,000 रुपीज का 15% कितना होगा बताओ, 15%। अब फिर दिक्कत आ रही है, 10% तो कैलकुलेट कर सकते हो, 2500, यस और नो? और 2500 का हाफ कर दो, 5% आ जाएगा, 1250, ऐड कर दो इनको, 3750। अब मैं कभी कभी सिखा दूंगा ये चीज़ें, लेकिन बात ये है कि अब बच्चों आप लोग 11th क्लास में हो, अब आप सीनियर क्लासेस में आ चुके, अब आप ऐसे ही नहीं कर सकते। अब अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में बैठ के, अगर मैं कह रहा हूँ बेटा चलो कैलकुलेट करो 1300 × 5, तो हम मैं चाहता हूँ कि आपको 13 की टेबल आती हो, 13 × 5 = 65, सर ये हो गया 6500। अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है 11th के अंदर, ऐसे 0 0 0 और ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, 5 3 5 3 = 15, ये 5 आ गया, कैरी किया 1 5 1 = 5 + 1 6, ऐसे कर रहे हो अगर, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ये तो 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं, ऐसे 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपका पेपर ख़राब कर देगा पेपर आते हुए भी। तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, इसलिए आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, अगर ये स्टेज अगर किसी बच्चे की है तो भाई अपनी मैथमेटिक्स इंप्रूव करने का टाइम है आपके लिए। अब टैक्स की बात थी, टैक्स हम ऐड कर रहे हैं, ये आ गया आपका 10 6 9 + 5 14 4 1, ये हो गया आपका 1,04,610। उसके बाद हैंडलिंग एंड डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग एंड डिलीवरी चार्जेस, देखो कई बार ये चार्जेस
सेलर बियर करता है, और अगर एग्रीमेंट में लिखा है परचेजर बियर करेगा तो फिर सेलर इसको इनवॉइस में स्पेसिफाई नहीं करेगा क्योंकि उसको चार्ज ही नहीं करने परचेजर से। तो यहाँ पर इन्होंने हैंडलिंग एंड डिलीवरी चार्जेस ऐड कर रखे हैं 400 रुपीज़ के, यानी ये बियर कौन कर रहा है? सेलर। सेलर ने एक बार लिख दिए, लेकिन ये वसूल किससे करेगा? परचेजर से। परचेजर से क्यों? अभी तो सेलर पे कर रहा है, लेकिन अगर इनवॉइस में ऐड करके दे रहा है तो परचेजर से लेगा या नहीं लेगा? बोलो यस और नो। यस सर। भाई अगर चार्ज नहीं करने होते परचेजर से तो फिर वो यहां पर ऐड करता ही नहीं, स्पेसिफाई नहीं करता। स्पेसिफाई कर रहा है, ऐड कर रहा है, इट मींस ये परचेजर से वसूल करेगा। तो ये 1,04,000 तो एक हो ही गए थे, ये 1,05,000, 1,05,000 एंड 10 रुपीज, ये टोटल अमाउंट ड्यू होगा फ्रॉम द परचेजर। टोटल अमाउंट ड्यू होगा 1,05,000 एंड 10 रुपीज फ्रॉम द परचेजर। अब अगेन देख लो नीचे, सिग्नेचर है पार्टनर फॉर मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है? यानी वो ऑथराइज पर्सन है मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भी पार्टनर होगा। क्लियर है? बोलो इनवॉइस का स्पेसिमेन। यस सर। सर ये क्या लिखा हुआ है? ई एंड ओ ई, ये क्या है सर? ई एंड ओ ई क्या है? लिख लो, ई फॉर एरर, ओ फॉर ओमिशंस, ई फॉर एक्सपेक्टेड, यानी एरर्स एंड ओमिशंस, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। कभी कभी गलती हो सकती है ना इनवॉइस जनरेट करने में, बनाने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो उन्होंने नीचे लिख दिया ई एंड ओ ई, यानी एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। बोलो समझ में आ गया? Yes. चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है हमारा नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट, दैट इज रेसीट। दैट इज रेसीट। आप जब स्कूल में फीस डिपॉजिट करने आते हो, जैसे ही आप फीस डिपॉजिट करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं ना, जिसपे वो लिखते हैं कि रिसीव्ड रुपीज 20,000 फ्रॉम दिस पर्सन, और साइन करता है ऑथराइज पर्सन स्कूल का। यस और नो? वो रेसीट होती है, वो रेसीट होती है। तो रेसीट इज इश्यूड, रेसीट इज इश्यूड बाय द रिसीवर ऑफ कैश, बाय द रिसीवर ऑफ कैश टू द गिवर ऑफ कैश। रेसीट इज इश्यूड बाय द रिसीवर ऑफ कैश टू द गिवर ऑफ कैश। मान लो स्कूल है, कोई स्कूल है, एक बच्चा वहां पे एडमिशन ले रहा है, अरे मैं तो स्कूल जाऊंगा, स्कूल खुलने वाले हैं, वो नए स्कूल में एडमिशन करा दिया पापा मम्मी ने उसका, नए स्कूल में एडमिशन करा दिया। मान लो फर्स्ट क्वार्टर की फीस थी 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज फर्स्ट क्वार्टर की फीस थी। क्वार्टर समझते हो ना? क्वार्टर मींस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 1 कैलेंडर ईयर में या 1 फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल फर्स्ट 2020 को स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, तो फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक का होगा? फर्स्ट क्वार्टर होगा हमारा 1 अप्रैल 2020 से June 30, 2020 तक। सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई 2020 से September 30, 2020 तक। थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक। एंड फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक। 4 क्वार्टर होंगे, 1st, 2nd, 3rd and 4th, पूरा 12 महीने होंगे ये टोटल मिला के। इन सबको टोटल करोगे, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर हो गए, टोटल 12 मंथ्स आएंगे, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वार्टर की फीस थी 8,000 रुपीज। तो इस बच्चे के पापा ने, सर पापा को मुंह ऐसे क्यों बना रहे हो बेटा? कोविड टाइम में पापा की इनकम नहीं हो रही ज़्यादा, इसलिए पापा ने ऐसे मुंह बना रखा है। तो पापा ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और 8,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए। तो स्कूल अथॉरिटी क्या करेगी?
एक डॉक्यूमेंट पे लिख के देगी रिसीव्ड रुपीज 8,000, मान लो इनका नाम है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, तो वो स्कूल अथॉरिटी एक रिसीट यानी एक डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के देगी कि रिसीव्ड रुपीज 8,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर द क्वार्टर वन फीस, फॉर द क्वार्टर वन फीस, और ऑथराइज पर्सन ऑफ द स्कूल विल साइन दैट रिसीट। अब ये ऑथराइज पर्सन कौन होगा? सिंपल सी बात है, कैश काउंटर पे जाओगे स्कूल के तो कैशियर ही तो सिग्नेचर करके देगा, कैशियर ही तो सिग्नेचर करके देगा, बोलो यस और नो। तो समझ में आ गया रिसीट? यस सर। सर रिसीट और कैश मेमो में कोई डिफरेंस होता है क्या? रिसीट एंड कैश मेमो में कोई डिफरेंस होता है क्या? अरे बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिसीट देखो, कैश मेमो तो तब इश्यू करते हैं जब हम कैश बेसिस पे गुड्स सेल करते हैं, या हम तब रिसीव करते हैं जब हम कैश बेसिस पे गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन रिसीट तो तब भी इशू की जा सकती है अगर गुड्स हमने पहले क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हों तो हमें बिल मिलेगा, यस और नो। और फिर उस बिल के अगेंस्ट जब हम पेमेंट करेंगे, जब उस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट हमें क्या रिसीव होगा? रिसीट। बोलो बात आ गई समझ में? Yes, तो पढ़ो थर्ड पॉइंट, रिसीट। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर ही इश्यूज अ रिसीट कंटेनिंग द डेट अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर। सर और कोई भी डिफरेंस है क्या रिसीट और कैश मेमो में? हाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कैश मेमो में हम जो गुड्स परचेज या सेल करते हैं उनका फुल डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ द गुड्स, रेट, टोटल अमाउंट, जबकि रिसीट में गुड्स का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता। रिसीट में तो केवल जिस बिल या इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट किया जा रहा है या पेमेंट रिसीव किया जा रहा है, केवल उस बिल या इनवॉइस नंबर को स्टेट करके लिख देते हैं कि रिसीव्ड रुपीज 20,000 विद रेफरेंस टू इनवॉइस नंबर दैट फ्रॉम मिस्टर एक्स, फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को। सर रिसीट की कितनी कॉपी बनती है? टू कॉपीज। जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो तो जो हमें पेमेंट कर रहा है हमारा कस्टमर उसको इशू कर देंगे, तो उसके पास जो रिसीट है उसके बेसिस पे वो अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा वाउचर बना के, और हम रिसीवर ऑफ कैश हैं तो जो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ रिसीट होगी वो हम अपने पास रखेंगे और उसके बेसिस पे हम वाउचर क्रिएट करके अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। क्लियर? Yes. तो द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसीट इज गिवन टू द कस्टमर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन द सेम वे व्हेन एवर वी मेक पेमेंट, जब हम पेमेंट करेंगे तो हम रिसीव क्या करेंगे, हम क्या ऑप्टेन करेंगे? हम रिसीट ऑप्टेन करेंगे। सिंपल सी बात है, जो पेमेंट करता है वो रिसीट रिसीव करेगा और जो पेमेंट रिसीव करता है वो रिसीट इश्यू करेगा यानी जनरेट करेगा। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes. किसी को कोई डाउट अब तक? नेक्स्ट है आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। एक तो है डेबिट नोट और एक है क्रेडिट नोट। दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम इसको, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। डेबिट नोट, डेबिट नोट, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन एवर वी परचेजेस गुड्स फ्रॉम आर सप्लायर, व्हेन एवर वी परचेजेस गुड्स फ्रॉम आर सप्लायर, इफ द गुड्स आर Not according to our specification, अगर goods हमारी specifications के according नहीं हैं या goods damage हो चुके हैं या goods जिस quality के हमने demand किए थे उस quality से lower quality के हैं, या हमने मंगवाए थे 10,000 units आ गए 15,000 units, तो किसी भी reason की वजह से अगर हम
जो गुड्स हमें डिलीवर हुए हैं उनको हम रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर्स को, उनको हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, तो हम सप्लायर को क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। डेबिट नोट यानी जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो बताओ सप्लायर अकाउंट यानी क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा। हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। जब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रियल नेचर का अकाउंट है, रियल नेचर का अकाउंट है। गुड्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट की बात नहीं कर रहा, गुड्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो गुड्स रियल नेचर का अकाउंट है। आप अभी तो स्टार्टिंग में यही बोलोगे कि सर गुड्स अकाउंट डेबिट बिकॉज गुड्स आर कमिंग इन, हालांकि एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज क्यों? क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं जिनमें हम डील करते हैं। तो परचेजेस मैंने पढ़ाया था सेकंड चैप्टर के अंदर टर्मिनोलॉजी में कि जिन गुड्स और सर्विसेज में अगर हम डील करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट यानी सप्लायर अकाउंट। अब सप्लायर अकाउंट मान लो हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए थे, सप्लायर अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, सप्लायर अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। अब मान लो 1 लाख में से जो 30,000 के जो गुड्स हैं, जो 30,000 के गुड्स हैं वो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये गुड्स हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं कि भाई हमारे काम ही नहीं आएंगे, जो हमने स्पेसिफिकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो हमारे काम नहीं आएंगे। तो काम नहीं आएंगे तो जब रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेंगे ना भाई। अब क्रेडिटर को 1 लाख थोड़ी ना देंगे हम, 70,000 रुपीज ही तो देंगे। यस और नो? यस सर। भाई गुड्स परचेज किए थे 1 लाख रुपीज के, उसमें से 30,000 के हमें पसंद नहीं आ रहे, रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर को आप 1 लाख रुपीज वही नहीं देंगे, 30,000 ही देंगे। तो हम सप्लायर को यानी क्रेडिटर को जो गुड्स रिटर्न करते हैं, यानी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 30,000 के गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, विद द रिटर्न गुड्स हम एक नोट वहां पे अटैच करेंगे, दैट नोट इज नोन एज डेबिट नोट। उसका मतलब क्या है? डेबिट नोट का मतलब क्या है कि हम अपने सप्लायर या क्रेडिटर को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वी आर रिटर्निंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 टू यू एंड वी हैव ऑलरेडी डेबिटेड योर अकाउंट इन आर बुक्स बाय रुपीज 30,000, नाउ ओनली 70,000 इज ड्यू टू यू फ्रॉम अस। बोलो बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No. अब ये जो गुड्स थे जो रिटर्न हो गए किसके पास आ गए? सप्लायर के पास आ गए। तो मुझे बताओ सप्लायर जब गुड्स सेल करता है तब वो क्या एंट्री करता है? वो क्या एंट्री करता है? हमने सब, अब खुद को सप्लायर ट्रीट करो कि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, तो आप सेलर ऑफ गुड्स हो। जब हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? डेटर अकाउंट। पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में डेटर क्रिएट होते हैं हमारी बुक्स में। अब जब हमने बीइंग अ सप्लायर जब हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए तो डेटर्स अकाउंट आप डेबिट करोगे ना। डेबिट द रिसीवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर। और डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट पर्सनल नेचर के होते हैं। कौन से पर्सनल? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है ना। तो डेबिट द रिसीवर, तो 1 लाख रुपीज हमने डेबिट कर दिए डेटर अकाउंट के अंदर। अब हमारा कस्टमर हमें 30,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न कर रहा है और साथ में हमें डेबिट नोट इश्यू कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने कस्टमर के अकाउंट को, हम अपने कस्टमर के अकाउंट को 30,000 रुपीज से क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब हमें उससे 1 लाख रुपीज रिसीव नहीं होंगे, ओनली 70,000 रुपीज रिसीव होंगे। यस और नो? यस सर। और क्या हम यही चुप हो जाएंगे? भाई हमें अपने कस्टमर से क्या मिला? डेबिट नोट। क्या मिला? डेबिट नोट। तो हम यही चुप नहीं हो जाएंगे, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कस्टमर को इश्यू क्या करेंगे? क्रेडिट नोट। हम भी कह देंगे कि वी हैव रिसीव्ड गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 फ्रॉम यू एंड वी हैव ऑल्सो क्रेडिटेड योर अकाउंट बाय रुपीज 30,000 इन आर बुक्स। तो कहने का मतलब क्या है? डेबिट नोट कौन इश्यू करेगा? डेबिट नोट कौन इश्यू करेगा?
डेबिट नोट कौन इश्यू करेगा? जिसने रिटर्न किए हैं गुड्स, यानी डेबिट नोट इश्यू करेगा कस्टमर, कस्टमर यानी परचेजर. परचेजर विल इश्यू द डेबिट नोट एंड सेलर विल इश्यू द क्रेडिट नोट. बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दे दूंगा एग्जाम के अंदर, हु विल इश्यू द डेबिट नोट, और आगे दो ऑप्शन दे दूंगा, आगे दो ऑप्शन दे दूंगा, परचेजर ऑब्लिक सेलर. अब आपको उसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि परचेजर या सेलर डेबिट नोट कौन इशू करेगा. सिंपल सी बात है, डेबिट नोट इशू करने से अकाउंट क्या होता है, डेबिट कर रहे हैं हम अकाउंट. डेबिट अकाउंट किसका करेंगे, डेबिट अकाउंट किसका करेंगे, सप्लायर का. यानी हम कौन हैं, हम हैं परचेजर. परचेजर विल इशू द डेबिट नोट एंड सेलर विल इशू द क्रेडिट नोट. आई होप समझ में आ गया होगा सबको. yes, तो डेबिट नोट इश्यू कौन करेगा, परचेजर. परचेजर. और क्रेडिट नोट इश्यू कौन करेगा, सेलर. सेलर. ध्यान रखना. तो चलो सर, इनकी भी कॉपीज बनती है क्या या सिंगल कॉपी बनती है? बेटा डबल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी भी बनेगी. जो डेबिट नोट की ओरिजिनल कॉपी है वो परचेजर सेलर को देगा और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेगा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. इन द सेम वे क्रेडिट नोट की ओरिजिनल कॉपी सेलर परचेजर को इश्यू करेगा और डुप्लीकेट कॉपी खुद रिटेन करेगा. डुप्लीकेट कॉपी खुद रिटेन करेगा. ये चीज़ें समझने में अच्छे से तुम्हें थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, कंफ्यूज मत होना. जब भी कंफ्यूजन क्रिएट हो आके इसी पेज पे वापस इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, धीरे धीरे चीज़ें माइंड में सेट होंगी. ये एक नया सब्जेक्ट है, कोई बच्चा घबराएगा नहीं. जब हमने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, तुम उस दिन से और आज के दिन में तुम्हें जो डिफरेंस आया है इस सब्जेक्ट के अंदर, तुम उसको कंपैरिजन कर लो उस चीज़ का कि तुम्हारी नॉलेज बढ़ी है या नहीं बढ़ी. अगर तुम एफर्ट्स लगाओगे तो तुम्हें सब्जेक्ट भी समझ में आएगा. ठीक है ना? यस सर. तो फटाफट डेबिट एंड क्रेडिट नोट पढ़ लो, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं. व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, गुड्स सप्लायर को रिटर्न कौन करेगा, परचेजर ही करेगा गुड्स को रिटर्न. तो व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न्ड गुड्स. रिटर्न्ड गुड्स के साथ डेबिट नोट अटैच करके हम सेंड करते हैं. डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर्स अकाउंट यानी क्रेडिटर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड. इट इज अ श्योर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, द नेम ऑफ अकाउंट विच इज डेबिटेड, द अमाउंट एंड द रीजन्स फॉर डेबिट. कितने अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं और ये डेबिट करने के यानी ये गुड्स रिटर्न करने के रीजंस क्या हैं. अ डुप्लीकेट कॉपी और द काउंटर फॉइल, डुप्लीकेट कॉपी को काउंटर फॉइल भी बोलते हैं. वैसे काउंटर फॉइल होता है. कभी बैंक गए हो क्या पापा के साथ? यस सर. गए हैं पापा के साथ. कभी बैंक में कैश जमा कराया? यस सर. कराया है. तो पापा एक वहां पे फॉर्म फिलअप करते हैं ना, कैश जमा कराने जाते हैं, तो ऐसी लंबी सी एक स्लिप होती है. तो पापा यहाँ भी डिटेल फिलअप करते हैं, यहाँ भी डिटेल्स डालते हैं और फिर कैशियर के पास जाते हैं. तो कैशियर एक बार तो पूरी स्लिप लेता है और कहता है कैश दे दो. मान लो पापा ने 1,00,000 रुपये जमा कराए तो 1,00,000 रुपये यहाँ पे डिटेल होती है. कैशियर कहता है कैश दो 1,00,000 रुपये. पापा कैशियर को हैंड ओवर करते हैं कैश. कैशियर यहाँ से फाड़ता है स्लिप को, यहाँ से फाड़ता है. और ये हिस्सा तो जो बड़ा हिस्सा है वो तो कैशियर अपने पास रख लेता है, और ये जो छोटा हिस्सा है इस पे राउंड स्टैंप लगाता है बैंक की, कैशियर अपने सिग्नेचर करता है और ये पापा को रिटर्न कर देता है. बोलो देखा है ये चीज? इसी पेज को बोलते हैं काउंटर फॉइल. काउंटर फॉइल होता है इस पेज का हाफ पार्ट, यानी जो हिस्सा कैशियर ने पापा को रिटर्न कर दिया सिग्नेचर करके, उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल. समझ में आ गई बात? अ डुप्लीकेट कॉपी और द काउंटर फॉइल ऑफ द डेबिट नोट इज रिटेन्ड बाय अस ऑन द बेसिस ऑफ विच द सप्लायर्स अकाउंट इज डेबिटेड इन आवर बुक्स. अ स्पेसिमेन ऑफ द डेबिट नोट इज गिवन बिलो. ये डेबिट नोट का एक सैंपल है.
पद्मालया प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने डेबिट नोट इशू किया है। पद्मालया प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एड्रेस है 312, क्या लिखा हुआ है ये, अंधेरी रोड, अन्नादुरई रोड, अंधेरी रोड नहीं है, अन्नादुरई रोड, चेन्नई। ये आपका डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, किसको इशू किया है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द डेबिट नोट इज बीइंग सेंट। यहाँ पर नेम और एड्रेस आ जाएगा और वो लिख रहा है, देखो, वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज, 15 जीप टॉर्चेज, इनवॉइस नंबर का रेफरेंस दे रहा है, योर इनवॉइस नंबर 350। भाई हमने परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे, तो हमारे लिए वो इनवॉइस क्या था, बिल, और सामने वाली पार्टी के लिए इनवॉइस, क्लियर और नॉट? यस सर। भाई इनवॉइस के अगेंस्ट ही तो हम पेमेंट करते हैं, बिल के अगेंस्ट ही तो हम पेमेंट करते हैं, बीइंग अ परचेजर। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवॉइस, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल। अगर उस इनवॉइस में जो गुड्स हमारे पास आई थी उस इनवॉइस के अकॉर्डिंग, अगर उन गुड्स में कोई डिफेक्ट है या वो गुड्स हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस इनवॉइस नंबर का रेफरेंस देके हम अपनी गुड्स रिटर्न करेंगे, किसको, सप्लायर को। तो सर हम बिल नंबर भी तो लिख सकते हैं। अरे बेटा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल थोड़ी ना है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनवॉइस है ना, इसलिए इनवॉइस नंबर लिखेंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो 15 जीप टॉर्चेज, योर इनवॉइस नंबर 350 आर बीइंग रिटर्न्ड एज द टॉर्चेज आर बैडली डैमेज्ड। टॉर्चेज बैडली डैमेज थी इसलिए हमने रिटर्न कर दी। 15 टॉर्चेज का अमाउंट था 6,000 रुपीज। पद्मालय प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए मैनेजर ने सिग्नेचर कर दिए। क्लियर है डेबिट नोट? अब आ जाओ क्रेडिट नोट के ऊपर, अब आ जाओ क्रेडिट नोट के ऊपर, जल्दी पढ़ लो। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, When goods are received back from a customer, a credit note is sent to him indicating that the customer's account has been credited in our books. कि हमने customer का account अपनी books में credit कर दिया है, ठीक है ना? A duplicate copy of the credit note is retained for record purpose. Original copy of the credit note किसको जाएगी? Customer को। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट कस्टमर को जाएगी और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड रखने के लिए मेंटेन करेंगे। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. तो बेटा जितना आज पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करना, कल हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम।